बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं शाम के 7 बजे की क्लास। और आपका जो डिमांड थी आपकी उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये ग्रामर की क्लास होने वाली है, ग्रामर वोकैबुलरी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूं। और आ जाइए फटाफट, आज मैंने क्लास शेयर नहीं किया है, देखता हूं कौन कौन क्लास में आज आता है, अपने आप से कौन कौन आता है, मैं ये देखना चाहता हूं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ गया हूं, कॉमन एरर्स से ये क्वेश्चन है। देयर आर नो पार्टीज इन माय बुक, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। और आप शुरू हो जाइए, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ग्रामर से चुने हैं। जरा देखिए और बताने की कोशिश करिए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ये है, जरा बताइए तो। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप उत्तर दे दोगे इसका। नो एरर का ऑप्शन भी है, ध्यान ये रखना है कि नो एरर भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता का मतलब ये थोड़ी कि जरूर होगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये कौन सा क्या आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप बताइए हमें कि इसमें क्या उत्तर होना चाहिए। देयर आर नो पार्टीज इन माई बुक, चलो जरा बताओ। कुछ हमको लग रहा है थोड़ा सा कि जो है सर मेरा कट रहा है, जरा बताओ तो मैं निकाल लूं पेन वगैरह अपना। हुंडल मेरा कहाँ है, ये रहा मेरा हुंडल। चलो आओ शुरू करो बताना। देयर आर नो पार्टीज, भैया उत्कर्ष गुप्ता बेटा और अंशु बिटिया दो लोग आए हुए हैं, तीन लोग हो गए, जाके ग्रुप में शेयर करके आओ, सबको बताओ आज शेयर नहीं किया है, क्लास शुरू हो गई है और मैं शेयर नहीं करूंगा आज। आप देखता हूं कि कौन कौन अपने आप से आता है। सब जानते हैं 7 बजे रोज क्लास चलती है, और आवाज मेरी आ रही है कि नहीं ये मैं देख लेता हूँ एक बार, बस इतना ही देखना मुझे। आज शेयर नहीं करना मुझे, पोएम होगा। अच्छा क्यों पोएम, कहाँ इसमें पोएम कहाँ है, पोएट्रीज। देयर आर नो पोएट्रीज क्या होगा, पोएम। तो अगर हम रूपा बिटिया बताओ हमको जरा, हम देखो अगर हम यहाँ पोएट्रीज के बजाय पोएम कर दें तो क्या यह सही होगा, या पोएम्स होना चाहिए। देखो दो ऑप्शंस मैंने दे दिए, क्या ये पोएम्स होना चाहिए या पोएम होना चाहिए। बिल्कुल ये पोएम्स होना चाहिए बेटा, क्योंकि पोएट्री और प्रोज, देखिए प्रोज है ना और पोएट्री है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल बेटा नहीं बनता है, का कभी प्लूरल नहीं बनता है, बनता ही नहीं है बेटा। हाँ गुड इवनिंग उमेश भैया, आ जाओ बैठो बेटा, आज हमने सोचा हम शेयर नहीं करेंगे, देखते हैं कौन कौन अपने आप आता है। पैम्स होना चाहिए, बिल्कुल नो पैम्स, क्योंकि यहाँ बेटा देखो आर है ना, इस वजह से यहाँ पैम्स होना चाहिए। अगर यह इज होता तो इसको हम पोएम कर देते तो ये पोएम सही हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलो देखते हैं ये रहा अगला क्वेश्चन, ये फ्लिप हो गया फट से। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन ग्रामर की गहराई अगर मेरी क्लासेस आपने ली है तो आपके अंदर बिल्कुल आ गई होगी और अब आप आंसर बढ़िया से दे पाओगे इसका। चलो हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, वर्ब है ना वहां आर, तो पोएम सी होना चाहिए, वरना अगर इज होता तो पोएम हो जाता। चलो अब जरा इसको देखो, इसको देखो बेटा, अरूपा एक और क्लास आज लिटरेचर की मिल गई है आपको बेटा, स्टोन होगा। क्यों भाई स्टोन क्यों होगा, ये सब बच्चे हमारे जो है ये सब नालायक सब पड़े हुए हैं, इनको फंसाना मुश्किल ही नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। शेयर कर दो बेटा, जाके सब जगह शेयर करके आओ, मैंने नहीं शेयर किया है लेकिन आप शेयर करके आओ, मैं बाद में शेयर करूंगा इसको। चलो देखो जरा अच्छा स्टोन्स क्यों होगा, क्योंकि सोप है, स्टोन है ना,
सोप है, स्टोन है, फूड है ना, ब्रिक है, ये सारे वर्ड जो है ये मटेरियल होते हैं, और इस वजह से इनका प्लूरल प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। इंग्लिश बाय बिस्वानी सर, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ही एज वेल एज यू अ लाइक टू गो, जरा बताओ तो इसमें क्या गलती है। शेयर कर दिए हैं बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आओ, आम मटेरियल नाउन से बेटा उमेश, बहुत बढ़िया। चलो इसको बताओ, जरा ये वाला बताओ, ये वाला बताने की कोशिश करो आप लोग। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। हाँ, सीमेंट है, ब्रिक है, ये सब मैंने पढ़ाया तो है आपको। ही एज वेल एज यू, अब देखो जब एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो बेटा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ लाइक के बजाय लाइक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ लाइक्स होना चाहिए, बिल्कुल। आप ये भी नहीं बता पाओगे तो इसमें मेरी गलती है, मैंने तुमको सही से ट्रेंड नहीं किया, यही गलती निकाली जाएगी। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, ही इज एट फॉल्ट, क्या? अच्छा एक ऑप्शन नो एरर का भी है, ध्यान रखना। ये जरा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, चार में क्या हुआ? ही इज एट फॉल्ट, ये होगा। एज वेल एज के साथ पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है, बिल्कुल रूपा बेटा। चलो अगला ये वाला बताओ, इसको बताओ जरा, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लाइक कर दो सब लोग जितने लोग आए हो। हाँ ठीक है, सब तो किए हैं बेचारे। चलो शुरू करो। मार्केट अप्स एंड डाउन, ही वॉज, बिल्कुल होना चाहिए। ये ही वॉज इसलिए होना चाहिए बेटा क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो तो पास्ट में है, तो जो दैट के बाद जो नॉमिनेट, यहां पर जो नाउन क्लॉज है साथ में जुड़ा हुआ, ये हमेशा पास्ट में होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स की प्रोफेसर, की प्रोफेसर संतोष लिव्स है बाय द प्रिंसिपल्स, ये देखो क्या यहां गलती है, जरा देखो सेंटेंस। ये सेंटेंस पलट गया था। पांचवे का बी, क्यों भाई? बिल्कुल, ये प्रिंसिपल्स होना चाहिए बेटा। प्रिंसिपल दो होते हैं, PRINCIPLE, एक ही होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, है ना, और ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब है मुखिया, मुख्य जो होता है प्रिंसिपल एलिमेंट, मुखिया, तो मुखिया यहाँ सेंटेंस चला। नहीं आ गया, आ गया बेटा, आ गया सेंटेंस। चलो अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस देखो, ये वाला, ये देखो, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन। अब जानते हो आप कॉन्ग्रेचुलेटेड जब भी यूज किया जाता है तो उसके बाद ऑन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑन आना, हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड समबडी, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ तुरंत कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ
चिलेटेड के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ऑन आएगा, ये यही फार्मूला हमने आपको सिखाया है, यही बताया हमने आप, ठीक है ना, तो यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड। अब इराडिकेटेड का मतलब होता है उन्मूलित कर देना, उन्मूलन यानी पूरी तरह जड़ से समाप्त कर देना, जड़ से खत्म कर देना इंडिया। तो इन फ्रॉम विद इन आउट ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा बताओ तो इसमें क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 किसी जगह से कोई चीज, या डी नहीं होगा, आउट ऑफ नहीं, ना बिल्कुल नहीं, ये फ्रॉम होगा बेटा इसमें, इराडिकेटेड फ्रॉम, जब कोई चीज कहीं से खत्म की जाती है तो सेपरेशन लगता है, फ्रॉम आएगा यहां, आउट ऑफ नहीं आएगा जाकेट बेटा, नहीं ये आएगा फ्रॉम, ये वाला सही होगा। ये अगला क्वेश्चन लो, द पुलिस ऑफर्ड, आज सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन है, देखते हैं आपके कितने कर पाते हो आज, ग्रामर है और वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन है। द पुलिस ऑफर्ड अ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी, ऑफर्ड अ रिवार्ड, अवार्ड, प्रॉफिट, प्राइज। हाँ भैया जाकिर, चलो इसका उत्तर दो, इसको दो। गुड इवनिंग बेटा सिंटू भैया, कहाँ रहे तो बहुत दिन बाद क्लास में दिख रहे हो आज बेटा, कई दिन बाद दिख रहे हो आज क्लास में, हाँ आते नहीं हो आप। आलोक भैया बी, अच्छा क्यों भाई बी क्यों, आठवें का बी क्यों होगा, रिवार्ड क्यों होगा, अवार्ड क्यों नहीं, अवार्ड क्यों होगा, रिवार्ड क्यों नहीं होगा, क्या रिवार्ड नहीं हो सकता? देखो अवार्ड जो है ये दिया जाता है बिना कुछ किए बिना कुछ किए, और जब काम करने के बाद, काम करने के बदले, जैसे मैंने टेस्ट लिया क्लास में तो हमने कहा क्लास में जो सबसे अच्छे नंबर लाएगा उसे अवार्ड मिलेगा या रिवार्ड मिलेगा, तो उसे रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड काम करने के बदले, कोई टास्क रखा जाता है उस टास्क के बदले जो दिया जाता है वो रिवार्ड होता है, और अवार्ड वो हो जाता है जैसे हमने चुन लिया, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको चुन लिया हमने, अवार्ड दे दिया। तो अवार्ड वो होता है जो सामूहिक काम, आपने किसी का, आपको सेलेक्ट कर लिया गया काम काम करने के बदले में और आपको अवार्ड दे दिया गया। लेकिन रिवार्ड और अवार्ड में यही फर्क होता है, प्रॉफिट लाभ होता है, प्राइज इनाम होता है। तो यहां पर क्या मिलना चाहिए, कंफ्यूज है ना, तो हम बता दिए, काम करने के बदले, जैसे कोई टास्क दिया गया, पुलिस ने कोई इनाम रखा, कहा इसको आप अगर पकड़ के दे दोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपने काम किया उसके बदले में, मैंने कोई टास्क दिया उसको जो कर लेगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा। और अवार्ड, मैं ऐसे ही क्लास में गए और हमने कहा मैं एक घोषणा करने वाला हूं, मैं एक बच्चे को चुनना चाहता हूं जो अपने, जो इस क्लास में मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है किसी ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो मैं उसको अवार्ड दूंगा। उसने कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं दिया, तो स्पेसिफिक टास्क नहीं किया तो उसको हम अवार्ड दिए, और अगर स्पेसिफिक टास्क के बदले में हमने देना है तो हम रिवार्ड देंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था ना बेटा, हाँ तो क्या होना चाहिए, ये रिवार्ड होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये लो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, इसमें क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। अब पॉसिबिलिटी के बाद के पहले आपको क्या भरना है, नो देयर पॉसिबिलिटी, देम पॉसिबिलिटी, देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। क्या लगाओगे यहां बता, यहां नो पॉसिबिलिटी, तो नो दे पॉसिबिलिटी। अब देखो पॉसिबिलिटी नाउन है कि नहीं है, और नाउन है तो जाहिर सी बात है इसके पहले एडजेक्टिव ही लगेगा, और यहां पजेसिव एडजेक्टिव दियर के अलावा कोई भी सुटेबल नहीं बैठ रहा, ये तो प्रोनाउन है और भी ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये, तो ये तो होगा नहीं। दियर से ये भी प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये भी नहीं होगा यहां पर, और यहां नाउन है तो इसलिए पजेसिव लगेगा, तो यहां दियर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना बेटा, बिल्कुल दियर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये रहा अगला क्वेश्चन, फ्लिप हो गया, ही हिज फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली, आशा नहीं किए थे जिस काम की वो,
अनएक्सपेक्टेडली, सुभाष चंद्र विश्वकर्मा बेटा। चिंटू भैया जरा जवाब दो इसका, इसका जवाब दो। हिज फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न टू अनएक्सपेक्टेडली। अब देखो टू लगा है, प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद नाउन होना चाहिए, तो यहां नाउन कोई है नहीं, यानी ये गायब हो गया। हिज फ्रेंड्स कम बैक अनएक्सपेक्टेड, टर्नड अप या गेट डाउन। अब इनमें चारों में से आपको लग कौन रहा है कि बिल्कुल सही होना चाहिए दसवें का? हाँ कम बैक नहीं, हाँ। अब देखो कम बैक यहां अगर फ्रेंड है तो ये कम्स बैक होना चाहिए, कम्स बैक होना चाहिए, तभी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। भाई कोई भी सेंटेंस है तो किसी न किसी टेंस में तो रखना पड़ेगा, तो यहां पर कम्स बैक होगा तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रखना तो केम बैक होना चाहिए, तो तब सही हो जाता। टर्नड अप बिल्कुल सही है, गेट डाउन में भी वही है। अगर ये गेट्स डाउन होता तो हम सोचते मतलब दोनों का तीनों का वही है, तो गेट्स डाउन होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो गॉट डाउन होना चाहिए था, तो गॉट डाउन होता तभी ये पास्ट इंडेफिनिट होता। तो यहां पास्ट इंडेफिनिट यानी सुटेबल वर्ब केवल भरने के लिए टर्न अप ही है, तो यही सही होगा। हाँ बी गलत है आलोक बेटा, अब बी नहीं होगा, नहीं होगा बी, बिल्कुल भी नहीं होगा बी, ना 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 लाल मेरे, ना 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 बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। समझ गया कि नहीं, समझ गया बात को, बात को मेरी समझ गया, चलो ठीक है समझ गया। तो अगला क्वेश्चन लो, डायरेक्शंस देखिए पहले। कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इलास्टिक, कहता है इसमें इलास्टिक लगी है, बहुत बढ़ता है, हमारी हमारी जो पैंट है उसमें हमने हुक नहीं लगवाया ना बटन लगवाया, हमने इलास्टिक लगवा ली, जितना हमारा साइज है उस हिसाब से फिट हो गई। तो इलास्टिक का मतलब क्या है? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी आपको सिनोनिम देना है बेटा। चलो सिनोनिम दो जरा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का सिनोनिम देके दिखाओ हमको। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल बेटा फ्लेक्सिबल। सॉरी नहीं बोलेगा कोई बच्चा मेरे को, ना 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 ना, कोई भी बच्चा सॉरी नहीं बोलेगा, सीखने आए हैं, अपना ज्ञान बताने नहीं आए हैं, गलत होगा तो सीख जाएंगे, सही होगा तो सीखे क्या, कुछ भी नहीं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है जो अपने साइज को साइज के अनुसार बढ़ा ले, यही इलास्टिक का गुण होता है, इलास्टिक का गुण ही यही होता है, इलास्टिक यही गुण तो होता है। क्या नाटक है, ठीक है ना बेटा। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा वैसी लेट। आप जानते हैं हेजिटेट वर्ड एक था, हेजिटेट, हेजिटेट, और हेजिटेट और वैसी लेट दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब है हिचकिचाना, किसी काम को करने में आप हिचकिचा रहे हैं, हिचकिचाना, तो हिचकिचा रहे हैं, तो हिचकिचाने से रिलेटेड इसमें वर्ड कौन सा है? क्या वेवर है, वेवर माने हिलना, कोई चीज स्थिर नहीं है, हिल रही है, हिलना, और नेवर माने कभी नहीं, कीवर माने कांपना। अब ये कांपना तो अलग अलग सेंस में आ गया, कीर माने होता है उत्सुक, उत्सुक बहुत ही कीर है, क्वीर है, क्वीर, तो क्वीर का मतलब उत्सुक हो गया। तो बताओ जरा इसमें, नमस्ते भैया संजय, आ जाओ बेटा बैठो, आज मैंने शेयर नहीं किया है, बस केवल वही डिस्कशन वाले तुम्हारे ग्रुप में शेयर किया, बस किसी ग्रुप में शेयर नहीं किया। हाँ ए होना चाहिए, वेवर जो हिल रहा, जो फर्म नहीं है, जो दृढ़ नहीं है, वही वेवर है, और वेवर है तो अपने अपनी डिटर्मिनेशन से वो हिल रहा है, तो हिल रहा है तो वेव हो रहा है, और वेव हो रहा है तो हिचकिचा रहा है, और हिचकिचा रहा है तो वैसिलेट हो रहा है, वैसिलेट हो रहा है तो हेजिटेट हो रहा है, ये सभी का मीनिंग एक ही होगा। अब है इम्पेकेबल, क्या बढ़िया वर्ड है, इम्पेकेबल का सिनोनिम देना है आपको, इम्पेकेबल का सिनोनिम देना है आपको। चलो जरा देखे दिखाओ, क्या इम्पेकेबल का मतलब परफेक्ट होता है, यह फेयर होता है, यह फॉल्टलेस होता है, यह क्रिमिनल होता है, जरा बताओ तो मुझे। इम्पेकेबल 13 नंबर का आंसर बताइए आप, फिर भी हम आ गए। अरे तो आप आपको आना ही था, आज बथुआ खाए थे सुबह, वैसा वो फंसा है। बथुआ हमको बहुत पसंद है, बथुई जानते ना, बथुई बेटा जानते ना कि नहीं जानते,
हमको बहुत पसंद है। मैडम हमारे कहती तो सुबह शाम बथुआ खाते, अरे यार बथुआ कैसा, जाड़े में ही ठंडक में ही मिलता है और हम बथुआ ही खाते हैं, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है चलो, ये देखो, ये देखो, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का सी होगा क्या, 13 नंबर का। नहीं बेटा, इम्पेकेबल का मतलब हो कहता है जो इम्परफेक्ट ना हो, जो परफेक्ट हो, जो पूरी तरह से पूर्ण हो, कंप्लीट हो, इम्पेकेबल है। जो पेकेबल नहीं है, पेकेबल का मतलब जिसमें दोष हो, जो अपूर्ण हो, जिसमें कमी हो, जो फाल्टी हो, उसे हम कहते हैं इम्पेकेबल। और परफेक्ट है जो कंप्लीट है, जो परिपूर्ण है, जो पूरी तरह से यूनिक है और पूरी तरह से वह स्क्वायर है, तो उसी को हम कहेंगे क्या। नहीं, हमारे बच्चे ले आते हैं, जानते हैं बच्चे हमारे बहुत, तो हम हर तीसरे दिन बिटिया हमारी कोई ना कोई 6 की 7 की, हम ये सरकारी स्कूल का थोड़ा फायदा तो होता है, सर जी बतुआ हाँ लाए, ला के हमारे डिग्गी में डाल दिया, काम खत्म। उनको बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी पेपर कापी आज चेक कर रहा था मैं छमाही की, ऐसी अंग्रेजी लिखी है उन्होंने जो छठे में बच्चे आए हैं। अब उनको मार मार के मैं सही तो कर दूंगा 7वें तक, लेकिन उनकी जड़ हिली हुई है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ कर डालूंगा अगर वो रो जावे। होता क्या है, खेत हम पानी लगाए हैं, बप्पा तो कहीं आज स्कूल न जाओ, मौसी को वहां मम्मी गई हैं तो आज स्कूल नहीं जाएंगे, पड़ोसी को वहां आज कुछ बीमारी हो गई तो मम्मी वहां चली गई, कहीं आज तुम स्कूल न जाओ, ये हाल है बना हुआ हमारे यहाँ। लेकिन जो बच्चा रेगुलर आता है उसको मैंने बिल्कुल उनकी गद्दी गद्दी उनकी मार मार के मजबूत कर दिया है मैंने, और वो आप बिल्कुल सर जी आज बहुत मजा आया जब दो चार मारे जाते हैं, क्यों, आज याद करने को दिया था। तो इस समय ग्रामर का टर्न चल रहा है, फर्स्ट पेपर का कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, कोर्स हर क्लास में कोर्स बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है एकदम। मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे भी यही हाल है, कफ कफ तो हमको भी हो रही है, तो हम भी वही है, हाल चल रहा हमारा भी ठीक है। इम्पेडिमेंट क्या बात है, देखो बड़ा पढ़ाया ना मैंने, सुबह की क्लास जो होती है 7 बजे, उसमें ग्रामर जो चले, वोकैब जो चल रही है, वो सारे वर्ड यही सारे डिस्कस हो रहे हैं सारे के सारे, गांव में होता है, लेकिन हम उन बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, बस भगवान चाहेगा तो उनको बहुत अच्छा बनाएंगे हम, और बहुत अच्छे बनते हैं, बने हैं बच्चे हमारे। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, इम्पेडिमेंट का मतलब बताओ मेरा बच्चा, सेंटेंस नंबर 14 ये है क्वेश्चन नंबर, और इसका बताओ इम्पेडिमेंट का मतलब होता है क्या, बाधा। क्लियर माने साफ, एलिमेंट माने एलिमेंट माने है ना समस्या, डी होगा ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा है ये स्टैग्नेशन है, ये स्टैग्नेशन है, ये बेटा स्टैग्नेशन है, बाधा, हर्डल जिसको कहते हैं हम, हर्डल जिसको हम कहते हैं बार, और वही है ऑब्स्ट्रक्शन, वही है इम्पेडिमेंट, और बिल्कुल सही है ये उत्तर आपका। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, एडवांस होना। अब एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना, रिट्रीट इसका अपोजिट होगा, तो रिड्यूस तो घटना हो गया, ये नहीं होगा घटना, हाल्ट माने रुकना हो गया, ये भी नहीं होगा, प्रोग्रेस माने आगे बढ़ना, ये ही होगा, है ना बेटा समझ गए। भाई जान लगा के पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और क्या, बच्चे कहते हैं सर ऐसा सरकारी स्कूल नहीं देखा, और मैं ही तोप नहीं मारता हूं, मेरे सब साथी लोग बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, और जानते हैं बिस्वानी सर गुस्सा आ जाएंगे तुरंत अगर क्लास में टाइम से नहीं गए तो। अब मैं कुछ कर नहीं सकता उनका, लेकिन वो मेरा चेहरा देखते रहते हैं, और वो देखते रहते कि मैं देख रहा हूँ और आप बैठे हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और यूँ देखता हूँ मैं ऐसे, खाली क्यों है, पाठक जी का घंटा है, जब बुला के लाओ, बुला के लाओ, जब तक आए ना तब तक वहीं खड़े रहना, मैं ऐसे आदेश देता हूँ बच्चों को, जब तक आए ना वहीं खड़े रहना, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो भी सरकारी टीचर है, मैं भी सरकारी, बराबर के पदाधिकारी हैं, लेकिन हम ये कह देते हैं बच्चों से जब तक आए ना वहीं खड़े रहना, चाहे मारने लगे, और मार सकते नहीं क्योंकि हम आए ना, मारने हम देंगे नहीं, और क्लास आपकी लगी है तो आपको पढ़ाना होगा,
कोर्स में रोज आज प्रिंसिपल साहब ने कहा था आप नोटिस निकलवाइए किसका किसका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना काम जानता हूँ कैसे करना है। मुझे बच्चों के हक को नहीं मारने दूंगा मैं, मेरे सामने नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए मेरे को, भले हम तो तुम गुस्सा आ जाओ कौनो दिक्कत नहीं, गुस्सा जाओ तुम, कोई रिश्तेदार हो हमारे का, साथी टीचर हो ना, बराबर तनख्वाह पाते हो तो क्यों नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाना पड़ेगा, मैं पढ़ाता हूँ आप भी पढ़ाओगे, यही होता है, ऐसे कटती जिंदगी डॉर्मेंट। अब देखो बेटा ये जो है ये वर्ड अपोजिट बताना है आपको। अब डॉर्मेंट का अपोजिट क्या, अक्यूट होता है, एक्टिव होता है, एबल होता है, अब्लेज होता है, जरा बताओ तो इसमें से क्या होता है, मुझे बताओ मैं जान जाऊंगा। वोकैबुलरी क्लास बेटा होती है सुबह 7 बजे 7 AM उसमें SP बक्सी पूरा, मैं सॉरी क्या कहता है उसको MB पब्लिकेशन कंप्लीट में पढ़ा रहा हूं। देखो खांसी मुझे भी आ रही है। लेकिन अब आ रही है तो आ रही है, आने दो, एक्टिव होगा डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या है, हाँ डॉर्मेंट का मतलब होता है वो जो बिल्कुल एकदम इनएक्टिव हो, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। आज तुमको बताएं हम कहानी, आज 9th वाले बच्चों में कम से कम 20 बच्चे ऐसे थे जिनके पास अभी तक ग्रामर की न्यू स्टाइल से मैं पढ़ाता हूं, सबसे वो बेस्ट बुक है ग्रामर की, न्यू स्टाइल ऑफ ग्रामर जनरल इंग्लिश बनवारीलाल काका पब्लिकेशन की। तो 20 बच्चे कम से कम ऐसे थे जिन्होंने अभी तक किताब नहीं खरीदी थी, कारण जो भी रहा हो। तो आज मुझे गुस्सा लगी तो मैंने कम से कम 20 बच्चों को मारा, पतली संटी थी सट सट, अच्छा मैं पीछे मारता हूं गद्दी पर ताकि कहीं चोट ना लगे उनको ही महसूस हो। एक बच्चा क्या किया, उसने हाथ लगा लिया पीछे और मैं सट से मार दिया, तो सट से जब मार दिया तो उसकी 3 उंगलियां सूज गईं, तो दर्द वाली टेबलेट मंगाई 20 रुपए की और इसके बाद नूरामेंट मंगाया, नूरामेंट मंगाया उसको लगाया, और एक को मैं मार रहा था तो दूसरे के यहां पर वो संटी की नोक लग गई, यहां पर भगवान अच्छा किया मेरे साथ की उसकी आंख में नहीं लगी, यहां पे लगी तो एकदम छिल गया, वो दर्द नहीं हुआ लेकिन छिल गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, मैं मारना वहां नहीं चाहता था लेकिन लग गया तो लग गया। अब वो जानता था कि सर जी हमको कभी नहीं मारे, पूरा साल बीत गया, आज मार रहे हैं तो काहे के लिए मार रहे हैं, वो जानता है। फिर नूरामेंट लगाए, दवाई दिए और 2-3 बार हालचाल पूछे, है ना, वो सीधे साधे बच्चे बेचारे मार खा लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं लेकिन दर्द तो होता है, उनको सुधारने के लिए मारना पड़ता। अब आज मैंने टेंस पूरा बता के प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सारे टेंस पढ़ाए, इसके बाद एक सेंटेंस से 36 सेंटेंस बना के बोर्ड पर दिखाए और फिर 2 सेंटेंस दिए, हमने कहा दोनों के 36-36 बना के लाना, और बेटा उनको 15 मिनट समझाया भी कि बेटा सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं है लोग, मुझे बदनाम मत करो, मैं चाहता हूं तुम में से हर एक ग्रामर में, लिटरेचर में, वोकैबुलरी में इतना परफेक्ट हो जाए जितना मैं हूं, और मेरे जैसे ही बन के दिखाना है बेटा तुमको, मैं भी तुम्हारी तरह सरकारी विद्यालय का पढ़ा हूं और आज मैं टीचर हूं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूं, 80,000-70,000 तनख्वाह पाता हूं, तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है मन में, बहुत मोटिवेट करता हूं उनको। तो सब जो है कहे सर कल करके 72 सेंटेंस लाएंगे, तो 72 सेंटेंस कल करके लाएंगे, मोटिवेट भी करना पड़ता है, डराना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है। लड़कियों को भी मारा हाथ पे पट पट, धीरे धीरे थोड़ा मारा, लड़कियां थोड़ा नाजुक होती हैं उनको धीरे मारा, और लड़के जान जाते सर जी लड़कियों को धीरे मारते हैं, इसलिए मारता हूं क्योंकि वो बेचारी 9th तक उनको कुछ नहीं पढ़ाया गया, सीधे 9th में हमारे वहां एडमिशन लिए हैं, तो अब उनके साथ कमजोरी तो है, कोशिश करता हूं दबाव डर और प्यार से समझा के कि लाइन पर आ जाए, कुछ टेंस सीख जाए, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सीख जाए लगाना, बस ऐसे कोशिश जारी है, ईश्वर चाहेगा तो कुछ न कुछ बच्चे तो निकलेंगे ही आगे। हाँ 10th क्लास की ही बात करते हैं, 10th क्लास में ही, 9th और 10th में, आज 9th में मार पड़ी थी, 7th में भी मार पड़ी थी, 6th में भी मार पड़ी थी,
और एर्थ वाले अपने आप 50-50 सेंटेंस कर लाए, क्योंकि वो देख रहे थे 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा हमारा नंबर है, जब तक वहां घंटा मेरा पहुंचा तब तक सब जुटे, हर जगह बच्चे हमको झुंड में बैठे सेंटेंस करते नजर आए। क्यों? क्योंकि 3 क्लास में मार पड़ चुकी थी, मैदान में पड़ती सबको दिखता है। तो एक तो मारने नहीं पड़ा 8 में। अपोजिट बी होना चाहिए, डस्टार्डी, डस्टार्डी। अच्छा, चिवलरस जो होता है ये बहुत शौर्यपूर्ण होता है। मैं बातों में बह गया, आपके स्कूल की बातें करने लगा मैं। शौर्यपूर्ण, शौर्य से भरा हुआ चिवलरस होता है बेटा, है ना। और डस्टार्डी का मतलब होता है बहुत ही निरुत्साही, कॉवर्डी, एकदम कॉवर्डियस, है ना। कॉवर्डियस कौन सा शब्द होता है? कॉवर्डी, कॉवर्ड ही कहो, कॉवर्डी क्या होता है? कॉवर्ड होता है, बिल्कुल, है ना बेटा। सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबको मार मिलेगी, सबको प्यार मिलेगा, सबको पढ़ाई मिलेगी। चलो अगला सेंटेंस लो, ये अपोजिट हो रहा है एरुडाइट, बहुत बढ़िया वर्ड होता है, विद्वान व्यक्ति को कहते हैं, जो बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, उसे हम एरुडाइट कहते हैं। क्या वो लिटरेट है, क्या वो क्रूड है, क्या वो बोरिंग है, क्या वो इग्नोरेंट है? अपोजिट आपको बताना है। तो बिल्कुल इग्नोरेंट का मतलब अज्ञान होता है बेटा, ये अज्ञान होता है लाल मेरा, और ये एरुडाइट का मतलब विद्वान होता है। तो विद्वान का अज्ञान हो गया अपोजिट ये, और ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। और अगला सेंटेंस ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, 19 नंबर, डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है। ये हल्का शब्द है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आप सब जानते हो इसको, निराशा, निराश हो जाना 19 नंबर सेंटेंस का। और होप माने आशा होती है, ये आप जानते हो, और इसीलिए मैं इसको टिक कर देता हूं तुरंत और अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाता हूं। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है, और जो क्लॉटेड होता है, जो डार्क होता है, जिसके आर पार नहीं दिखता है, ये ओपेक होता है। ओपेक का मतलब होता है रुंधा हुआ, बिल्कुल ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड होता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, और ये पारदर्शी होता है, जिसके आसपास देखा जा सकता है। इसलिए इसको भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा देख करके, और फिर आगे बहुत बढ़िया idiom और phrases है, at once beck and call, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका मतलब होता है के आदेश पर काम करना, किसी के आदेशानुसार काम करना, किसी के आदेशानुसार काम करने को हम कहते हैं, यानी टू अटेंड अ कॉल नहीं, टू हेल्प बाय समवन नहीं, टू यूजफुल समवन नहीं, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, यही डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो 21 नंबर में डी बिल्कुल करेक्ट है, और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, जरा इसका बताइए। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका बताइए ये क्या है बेटा? इसका idiom, ये idiomatic meaning है इसका, तो जरा बताओ इसका मतलब क्या होता है? 22 बताओ सीधे, बाकी सब हो गए। 22 नंबर बताओ, 22 नंबर, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। 22 का डी, 22 का, हाँ बिल्कुल 22 का डी ही होगा। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर प्रयास करना, हर अवसर का लाभ उठाना, यही बिल्कुल इसका आंसर होता है। और अगला उत्तर, आर रिलेटेड डे, आप जानते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ऑफ लाइफ और जॉयफुल अकेजन होता है। ये आसान था इसलिए मैं इसको लेके आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन ये है, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, किसी की स्लीव में कुछ होना, क्या मतलब है इसका जरा बताओ। ये क्वेश्चन है 24 नंबर, जरा बताओ इसका क्या होगा बेटा। स्लीव है, जैसे आप कुर्ता पहने हो तो आपकी ये भुजा है, स्लीव बांह है ये, तो इस बांह के अंदर कुछ है, यानी कोई जान ना पाए ऐसा कुछ है,
यानी ये सीक्रेट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो स्लीव में है तो सीक्रेट होगा, यानी हाँ अब बताओ यहाँ यहाँ सीक्रेट प्लान होगा, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, आप बेटा सी होगा बिल्कुल। अगला देखो क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया एडियम भाई, एडियम ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एडियम है। 25 क्वेश्चन नंबर का बताओ उत्तर क्या होगा, स्पर ऑफ द मोमेंट, एडवांस, तुरंत एडवांस कर देना किसी काम को, जो तुरंत काम करना, तुरंत काम करना, इस पर आप द मोमेंट का मतलब क्षण भर में काम कर डाल, इस पर आप द मोमेंट का मतलब है कोई आया और बस करके निकल गया, तो एट वंस स्टार्टेड डूइंग समथिंग एट वंस, तुरंत कर डाला, तो ये ए होगा, डी नहीं होगा लाल, ना ना टू एक्ट अपॉइंटेड टाइम नहीं, इस पर द मोमेंट का मतलब है एट वंस, तुरंत जैसे आदेश हुआ इस पर आप द मोमेंट में कर डाला काम, यानी तुरंत कर डाला, तो तुरंत कर डालने का मतलब यही है बेटा, इस पर आप द मोमेंट का मतलब है टू एक्ट एट वंस, तुरंत कर डाला काम को, बिल्कुल यही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये एनलाइटमेंट वर आ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, तो जरा बताओ इस वर के बदले क्या हैड, हैज, इज या नो, बस इज एम आर वाज वर हैज बीन हैड बीन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनको इस जाल में मैं 3 दिन के अंदर निकाल लूंगा। नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एक एक चीज को पहचाना, आसपास की चीजें दिखाते हैं, बताते हैं उनको, ये बेटा नाउन है, ये देखो 2 है तो ये कॉमन हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, कोई चीज तो कॉमन हो गई, इकलौते तुम अमन तुम्हार नाम है, तो तुम ही अकेले हो और कोई नहीं है यहाँ, तो तुम प्रॉपर व्यक्ति हो, तो प्रॉपर नाउन है, अच्छे समझाएं उनको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब टेंस का नंबर आया है और टेंस इस समय चल रहा है बहुत तेजी से, जैसे आपको समझाते हैं वैसे उन बच्चों को समझाते हैं, आप समझा के बड़े कर दिए हैं, कभी बच्चों से गुस्साना नहीं, उनको धमकाना मारना ठीक है, थोड़ा बहुत मारना, मारना वरना नहीं, लेकिन धमकाना तो जरूर पड़ता है ना थोड़ा सा। सी इज क्यों, हाँ क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस है, इज के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा, बिल्कुल स्टैटिक वर्ब लगेगी यहाँ, इज ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, यही सही है। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन हिज एग्जामिनेशन, अब देखो जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेटेड आया था अभी, उसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ कॉम्प्लीमेंटेड को आप कॉन्ग्रेचुलेटेड ही समझिए, इसको कॉन्ग्रेचुलेटेड ही समझिए, और जैसे कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लगा था उसी तरह कॉम्प्लीमेंटेड के साथ भी ऑन लगेगा, समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन ये रहा, he should not had ignored his friend, तो should not had, ये इतना पोर्शन आपका अंडरलाइन हो गया, और जरा बताओ इसको बदल कर क्या करेंगे, आप जानते हैं should जो है ये मॉडल वर्ब होती है और should के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, और बेस फॉर्म होती है have के अलावा कुछ भी नहीं लगा, has भी नहीं लगेगा कभी, तो should not have ही लगेगा, यानी ए बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हो गए, समझ गए कि नहीं, हाँ बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, तो 28 नंबर में भी ए बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, द जज आस्क्ड द लॉयर टू बी कंसिस्टेंट विद प्रूफ इन अ केस, तो कंसिस्टेंट, अब देखो आस्क्ड, ये हम जरा देख लें इसमें अंडरलाइन कौन सा है, 29 नंबर सेंटेंस में, 29 नंबर सेंटेंस में प्रूफ 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 कहा गया, ये अंडरलाइन है बेटा, इसको बदलो जरा, नाउन सिखाया है, बहुत अच्छे बेटा, खूब झूम के पढ़ाओ, ज्ञान बांटो और बांटते रहो, बस सरकार बदलो ये, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे क्यों, क्यों नाउन सिखाएं हम, अगर SSC का एग्जाम ही नहीं होगा, अगर TGT का एग्जाम ही नहीं होगा तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे, सरकार बदलो हर हालत में, जहां भी जो भी जिस प्रदेश में है वहीं बदल दो, काम खत्म, दिमाग सही हो जाएगा, नौकरी देना शुरू कर देंगे नालायक नेता, नगरी सब वैसे ही है बेटा, एविडेंस का लगेगा 29 नंबर में एविडेंस ही लॉयर से पूछा जाता है, प्रूफ नहीं पूछा जाता है, एविडेंस साक्ष्य होता है, और यही सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये
राजी रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो। अब रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के अंडरलाइन कर दिया मैंने। और जरा बताओ सरकार बदलो बिल्कुल, वो ये जो है आंदोलन चलाओ, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पक्का नहीं मिलेगी, आगे वाली जनरेशन को नहीं मिलेगी, तुमको मिल भी गई किसी तरह से तो आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगी। चलो आगे देखो, ये राजू रिक्वेस्टेड क्या इंडल्ज्ड माने पड़ जाना किसी काम में, इनवाइटेड, इंस्पायर्ड या नो इंप्रूवमेंट। 30 नंबर, अभी तक नो एरर और नो इंप्रूवमेंट नहीं आया ना बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा। इनवाइटेड ही सही है क्योंकि बर्थडे पार्टी में इनवाइट ही करेगा तभी वो जाएगा, तो इनवाइटेड बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, और अब कहता है कि आप इस दिए हुए वर्ड को सब्स्टिट्यूट करो, पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, जो हॉर्सेस को पर्टेन करता है, जो घोड़ों की देखभाल करता है, घोड़ों की देखभाल करता है बेटा, जो घोड़ों की देखभाल करेगा उसको क्या कहेंगे हम, घोड़ों की देखभाल करने वाले को क्या कहेंगे, ये बताना है आपको, फट से बता दो। इक्वाइन याद आया, यस, घोड़ों से रिलेटेड होता है इक्वाइन, इक्वेस्ट्रियन नहीं, इक्विनॉक्स नहीं, इक्वेशन नहीं, ना इक्वाइन ही बिल्कुल सही है वर्ड। आफ्टर इलेक्शन, अब इलेक्शन तो होने होना है भाई, एग्जाम होगा अभी बोर्ड का, वो तो टल नहीं सकता, बोर्ड एग्जाम के बाद इलेक्शन होगा, तब भगवान जाने एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या बताएं बेटा, बस पढ़े रहो और क्या। इक्वाइन सही है। वन हु कैन नॉट करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकॉरिजिबल है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता वो इनकॉरिजिबल। ये आसान था इसलिए मैंने बता दिया आपको, और आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इलिजिबल होता है, अब ये भी नहीं याद है, ये भी आपसे हम रुक के पूछे तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इलिजिबल होता है वो जो अपठनीय कहलाता है, अपठनीय कहलाता है मेरे बच्चा। अगला क्वेश्चन आ जाए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक छप्पर फाड़ के मिल गया, तो क्या कहे, कहे कि विंडफॉल हो गया, कहे कि विंडफॉल हो गया और छप्पर फट गया, छप्पर फाड़ मिल गया खजाना मुझे, छप्पर फाड़, नानी मर गई 50 बीघा जमीन छोड़ गई तो छप्पर फाड़ हो गया, ये सबके साथ नहीं होता है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते तब होता है। हम लोग तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते, जितनी मेहनत करते उतना तो जरूर मिलता है, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है छप्पर फाड़ उनको नहीं मिलता, उनको जितनी वो मेहनत करते जाते हो बस उसमें बड़ी संतुष्टि है, शाम को सुकून से सोते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं। 30 में टुमारो क्यों है प्लीज, 30 में टुमारो कौन सा बेटा, 30 में अभी चलते लाल, मेरा बच्चा उमेश ने कुछ पूछा है, ये पूछा है तो कुछ खास बात होगी। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, हाँ टुमारो इसलिए है बेटा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था, हाँ हाँ हाँ, टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, ना द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, बहुत अच्छा पकड़ा बेटा, द नेक्स्ट डे, ये एरर थी, मेरा बच्चा है ना ये, इनवाइटेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी द नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे होना चाहिए ये, हाँ बिल्कुल बेटा उमेश, तुम्हारी निगाह का मैं कायल, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो, और बस ईश्वर की निगाह एक बार सीधी हो जाए तुम्हारे पर बेटा, ठीक है अब संतुष्ट हो मेरे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। दोज हु गो ऑन टू समवन एल्सस लैंड, किसी दूसरे की भूमि में विदाउट द ओनर्स परमिशन, घुस गए बिना परमिशन के, तो क्या वो डेलिंक्वेंटेड होंगे, डेलिक्वेंट्स होंगे, ऑफेंडर्स होंगे, ट्रेसपासर्स होंगे, कल्प्रिट्स होंगे, ट्रेसपासर्स होंगे, याद है वो लेसन 9th में जो पढ़ा था, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, ट्रेसपासर्स वुड बी एग्जीक्यूटेड, ऐसा कुछ फ्रेज पढ़ा था आपने उस कहानी में जिसका नाम था सेल्फिश जाइंट, ये वर्ड मैंने पहली बार वहीं पढ़ा था, सेल्फिश जाइंट याद आया, ये वर्ड मैंने वहीं पढ़ा था, ट्रेसपासर्स would be punished या should be punished ऐसा कुछ था, तो ये selfish giant में पढ़ा था ना बेटा, तो ये C वाला होगा, offender नहीं नालायक,
जो किसी की भूमि में, किसी के घर में, किसी के बगीचे में बिना परमिशन के घुस जाए, किसी की बारात में, शादी में घुस जाए, खाना खा के चले आए, तो वो ट्रेसपासर्स हो गए। क्या हो गए? बिना इनवाइट के पहुंच गए। न्यूज संसार बेटा, तू बिना न्यूज, बिना बिना इजाजत के जो घुस जाए वो ट्रेसपासर हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है बहुत बहुत चैप्टर है। चलो आओ, अब देखो, डेसिकेशन 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 डेजिकेशन, कौन सी स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग बतानी है आपको 36 में, और इसका मतलब बता दे। डेसिकेशन का मतलब कहता हो सुखाना, किसी चीज को सुखा देना, सुखाना, किसी चीज को सुखाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रेसपास। इसको बताओ जरा, डेसिकेशन की स्पेलिंग क्या होगी? 36, DESICCATION, ये होती है डेसिकेशन। यानी सी सी होता है और एस एक ही बार होता है। सबने पढ़ा होगा बेटा, डेडिकेशन नहीं है बेटा, डेडिकेशन है डेसिकेशन है, ये वर्ड डेडिकेशन है ही नहीं, ये डेसिकेशन है बेटा। तो डेसिकेशन की स्पेलिंग DESICCATION, डेसिकेशन माने डेसिकेट करना का मतलब टू ड्राई, टू मेक समथिंग ड्राई, सुखा देना किसी चीज को, डेसिकेशन होता। बढ़िया वर्ड है, याद करना इसको, याद करो इसको, बढ़िया वर्ड है बेटा, अच्छा वर्ड मिला है डेसिकेशन, बहुत अच्छा वर्ड है। चलो नेक्स्ट, मक्खी कहां से आ रही नालायक, निगार्डली 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 मैंने कंजूस, याद आया आपको निगार्डली की स्पेलिंग कितनी बार समझाया मैंने, कोवर्ड का सिनोनिम है ये, कोवर्ड का सिनोनिम है ये, है कोवर्ड का सिनोनिम। चलो बताओ जरा निगार्डली की स्पेलिंग क्या होगी? ये होगी बी वाली, बिल्कुल, NIGGARDLY, 37 का बी नहीं, हाँ बी ही है बेटा, बी ही है बेटा, बहुत बढ़िया, बी ही है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट, कहता रेलिंकिश, छुटकारा पाना, रेलिंकिश कर दिया, तो रेलिंकिश की स्पेलिंग क्या होती है? त्याग देने की स्पेलिंग क्या होती है? त्याग देना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए हैं ग्रामर के, सभी को कंजूस होना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, हो जाने दो टाइप। 38 का रेलिंक्विस का मतलब त्याग देना, छुटकारा पा लेना, इसमें क्या होगा? 38 में कौन सी स्पेलिंग सही होगी? बिल्कुल ये वाली सही होगी, बाकी ये सब गलत है, QUISH होता है, हाँ बिल्कुल बेटा यही होता है, रेलिंक्विस माने छुटकारा पाना, बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो अगला, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्शन, एक्सपेक्शन है, एक्सपेक्शन एक्सपेक्शन एक्सपेक्शन, इन चारों में से कौन सा होगा लाल, जरा बताओ कौन सा होगा एक्सपेक्शन? 39 का एक्सपेक्शन, एक्सपेक्शन होगा, एक्सपेक्टेशन है, सॉरी एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन ये होगा। न्यूज संसार, अरे अच्छा हंस रहा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट से बनता है, यही सही होगा, यानी कौन सा सही है? ये एक्सपेक्टेशन, ये वाला सी वाला सही है, 39 का सी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, होमवर्क दे दे, एक तो होमवर्क बनता है, जरा बताओ इसमें एसिमिलेशन का मीनिंग भी बताना है बेटा, और इसमें स्पेलिंग भी बताना है कि कौन सी सही है। चलो ये होमवर्क हो गया, और अब मैं क्लास बंद करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जाना है, खत्म करूंगा क्लास। ये हमारे बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ते थे, याद है ना, सब याद है, मिथुन याद है, प्रेम याद है, अजीत याद है, राय, कितनी बार इनकी कहानियां मैंने आपको बताई, सबके बारे में आप जानते हैं। राहिल बिटिया हमारी टीजी पीटीजी दोनों निकाला था, TGTV PGTV, अखिलेश भैया हमारे, अखिलेश है ना, दो अखिलेश हैं, अखिलेश वर्मा बाराबंकी वाले, ये सुल्तानपुर के हैं, ये जौनपुर के हैं, ये उन्नाव के हैं, है ना, आगरा सीतापुर हमारे पड़ोस में लहरपुर में पोस्टिंग है, ज्योति अंशु है ना, ये सब शाहजहांपुर के हैं, अंशु है ना,
तो ये हमारे बच्चे हैं, और ये क्लास की भी जानकारी आपको देना उचित है कि क्लास कब कब चलती है। क्लास 6 बजे सुबह चलती, शाम को 6 बजे लिटरेचर की क्लास होगी, जो ग्रामर का लिटरेचर का जो कोर्स बाकी है पीजीटी का, पीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी का ये कोर्स बाकी है वो चल रहा है 6 बजे क्लास। आज लॉर्ड बायरन की बायोग्राफी पढ़ाई गई थी। और 7 बजे एमबी पब्लिकेशन सुबह चलती है, उसमें ग्रामर होती है। और 7 बजे शाम को ये जो है मॉडल पेपर करवाते हैं हम, ग्रामर का और लिटरेचर का मिक्स। कल लिटरेचर का होगा, आज ग्रामर का हुआ है, और बहुत जल्दी ग्रामर और लिटरेचर दोनों को शुरू कर देंगे हम 7 से 8, 8 से 9, इस तरह से। ठीक है, टीजीटी बैच कैसे मिलेगा बेटा? बहुत सस्ता बैच है हमारा, 1599 का है बेटा बैच हमारा, है ना। और उसमें कम से कम 400 क्लासेस आपको मिलेंगे बेटा। वो कैब की कम से कम 150 क्लासेस है, ग्रामर की कम से कम 150 क्लासेस हैं, और 100 क्लासेस कम से कम टीजीटी लिटरेचर की हैं। कैसे मिलेगा इसके बारे में हम जानकारी दे तो रहे हैं आपको। ये देखो ये बैचेज हैं, ये ईएमआरएस का बैच है बेटा ये वाला, ये ग्रामर का बैच है, वो कैब और लिटरेचर सब मिलेगा इसमें, टीजीटी का 1599, और ये है पीजीटी और एलटी का भी 1599, पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। और ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब ऐप पे मिलेगा, हमारी ए विश्वानी क्लासेस एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा। नंबर ये है, कोई दिक्कत आए तो हमको घुमाओ, हमसे नंबर ले लो, हमसे लिंक ले लो और शेयर कर लो आराम से। ये न्यूज संसार बेटा, आ जाओ हमारे संसार में, आपका स्वागत है, मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो बस इतना ही मुझे कहना था। मेरा नाम अनिल विश्वानी है, महमूदाबाद से मैं क्लासेस लेता हूँ, यहीं 8 किलोमीटर दूर होम डिस्ट्रिक्ट में मेरे घर के पास में मेरी पोस्टिंग है, और वहीं से मैं क्लासेस लेता हूँ शाम को। रोजाना 2 क्लासेस अभी चल रही हैं, और तीसरी क्लास बहुत जल्दी होने वाली 1 दिसंबर से, या हो सकता है कल ही से, है ना। एक क्लास और मिलेगी, ग्रामर और लिटरेचर दोनों चलेंगी शाम को प्रैक्टिस, और बाकी अपना कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पर चलता रहता है, प्रैक्टिस में यहीं पर करवाता हूँ।